स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो किस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है और किस प्रकार ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। दे आर मोस्टली सेप्रोफाइटिक, बींग फाउंड इन वाटर, सॉइल एंड वेन एवर डिकम्पोजिशन मैटर इज फाउंड। ये जो स्यूडोमोनास टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं, ये डिकम्पोजिशन जो खाद होती है, सड़े गले पदार्थ खाद जो होती है उस पर ये ग्रोथ करते हैं या मिलते हैं। अपन पढ़ते हैं इसके अंदर एक स्पीसीज है, स्यूडोमोनास की स्पीसीज है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर मॉर्फोलॉजी। इट इज सिलेंडर, ग्राम नेगेटिव, बेसलाई ऑफ 0.5 माइक्रो × 3.5 माइक्रोन साइज। ये जो स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा है, जो बैक्टीरिया मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, बेलनाकार रूप में पाए जाते हैं और ग्राम नेगेटिव होते हैं। जब स्टेन करते हैं तो इनका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड या पिंक कलर का होता है। बेसलाइक ग्रुप के होते हैं, मतलब ये स्टिक लाइक शेप में होंगे और इनकी जो लेंथ होती है 0.5 माइक्रो होती है और विड्थ होती है इसकी 3.5 माइक्रो होती है साइज के अंदर। एक्टिवली मोटाइल बाय पोलर फ्लैजिलम इज नॉन कैप्सुलेटेड। ये जो सीडोमोनास ओरिजिनोसा है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एक फ्लैजिलम पाई जाती है, एक पोल या जो उसके दोनों पोल होते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ पर फ्लैजिलम पाए जाते हैं। फ्लैजिलम मीन्स एक ऑर्गन होता है जो कि बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। इज नॉन कैप्सुलेटेड, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल की कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, कैप्सूल की कवरिंग नहीं होती, इस कारण ये क्या होते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कल्चर कैरेक्टर। इट इज़ एरोबिक, ग्रोइंग इन सिंपल न्यूट्रिएंट मीडिया विद ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली वो एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं। इनके लिए ग्रोथ के लिए एक सिंपल न्यूट्रिएंट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है और इनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस। हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस किल्स द ऑर्गेनिज्म। इट इज रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली 56 डिग्री सेल्सियस पर ही किल होते हैं। इनके अंदर एक रेजिस्टेंस पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या डिसइंफेक्टेंट के प्रति। सामान्य जो एंटीसेप्टिक होते हैं या डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस पाई जाती है। इसके अलावा इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है उसके प्रति भी के अंदर होती है प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इट इज़ सेंसिटिव टू पॉलीमिक्सिन, जेंटामाइसिन एंड कार्बेसिलिन। ये जो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे ही पॉलीमिक्सिन, जेंटामाइसिन हो गए या कार्बेसिलिन, इनके प्रति ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनका यूज़ करें इन्फेक्शन के दौरान तो ये बैक्टीरिया होता है किल हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ता है पैथोजेनेसिस, किस प्रकार बॉडी के अंदर एंटर करता है माइक्रोसम। तो सीडोमोनास ओरिजिनोसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम एजेंट कॉजिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये सीडोमोनास एक ट्रबलसम एजेंट होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला एजेंट होता है और ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है। इट इज़ कॉमनली एनकाउंटर्ड इन सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ वुंड, बर्न एंड क्रॉनिक अल्सर ऑफ स्किन। ये क्या करता है, सेकेंडरी टाइप का इन्फेक्शन कॉज करता है। जब इन्फेक्शन प्रेजेंट है ओनली, पहले ही इन्फेक्शन प्रेजेंट है दोबारा इन्फेक्शन कॉज करता है, बर्न साइड पर, अल्सर या स्किन के अदर साइड पर इन्फेक्शन कॉज करता है। द बैक्टेरियम अटैक्स टू द एंड कॉलोनाइजिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। ये जो बैक्टीरिया होता है फर्स्ट टाइम स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर जाकर अटैच होता है और वहाँ पर अटैक करता है, और अटैक होने करने के बाद क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और अपनी एक नई कॉलोनी बनाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रमोटेड बाय पिल, एंजाइम एंड टॉक्सिन। ये जो प्रोसेस होती है इन्फेक्शन की वो उनके अंदर प्रेजेंस एंजाइम्स के कारण होती है, पिल एंजाइम्स या टॉक्सिन के कारण होती है, जिसके कारण वो इजीली अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी पर और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लिपोपॉलीसेक्राइड प्ले ए डायरेक्ट रोल इन कॉजिंग फीवर, शॉक और ओलिगोयूरिया। ये जो लिपोपॉलीसेक्राइड होती है बैक्टीरिया के अंदर वो एक वाइटल रोल प्ले करती है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फीवर, शॉक, ओलिगोयूरिया जैसी कंडीशन पैदा करती है। ओलिगोयूरिया मतलब लो अमाउंट में यूरिन का पास आउट होना पेशेंट के द्वारा। दिस कंडीशन के दौरान अपन बढ़ते हैं
लेबोरेटरी डायग्नोसिस, किस प्रकार जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेसिमेन, पस, एक्सुडेट, स्पोटम, स्वैब फ्रॉम कंजक्टिवा डिस्चार्ज इज यूजुअली, अपन जो सैंपल लेंगे ठीक है डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके लिए अपन करें पस का जो हिस्सा होगा ठीक है, पस उसको कलेक्ट करेंगे, स्पोटम का यूज़ करेंगे और स्वैब का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा कल्चर मीडिया कर सकते हैं, इसके दौरान अपन बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट पर यूज़ करते हैं जेंटामाइसिन, पॉलीमेक्सिन बी एंड कार्बेसिलिन, जो कि इफेक्टिव रोल्स होती है स्यूडोमोनास और जैसा के इन्फेक्शन के लिए।